हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, अभी एक न्यूज़ में पता चला कि वीवो Y19 लॉन्च 3 रियर कैमरे और हीलियो P65 प्रोसेसर से है लेंस। वीवो Y19 को थाईलैंड में लॉन्च किया गया है। प्रतीत होता है कि अब वीवो U3 का रिबाइंडेड वर्जन है। वीवो Y19 में मीडिया टेक हीलियो P65 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि वीवो U3 स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर के साथ आता है। बाकी स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। वीवो वाई उन्नीस तीन रियर कैमरे वाला स्मार्टफोन है। यह वाटर ड्रॉप नॉच, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और ग्रेडिएंट बैंक पैनल का फिनिशिंग के साथ आता है। वीवो Y19 की सबसे अहम खासियत की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है इसमें। यह तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। थाईलैंड में वीवो Y19 को करीब 16,400 रुपये में बेचा जाएगा। फ़ोन को मैग्नेट ब्लैक और शिफ्टिंग वाइट ग्रेडिएंट फिनिशिंग में उपलब्ध कराया गया है। तो आइए अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब डिस्प्ले आपको मिल जाएंगे 6.53 इंच का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रैम, 4 GB स्टोरेज, 128 GB बैटरी क्षमता, 5000 mAh, OS एंड्रॉयड रिजोल्यूशन 1080। और यहाँ पे और थोड़ा इसके बात कर लेते हैं। वीवो Y19 कैमरा सेटअप की बात करें तो यह फ़ोन के पिछले हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा है। इसका अपचर 1.78 है। इसके अलावा अपचर 2.2 वाला में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेंथ सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वीवो Y19 में जान फूकने के लिए 5000 mAh की बैटरी है, जो 18 वाट डुअल इंजन फ्लैप्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। फ़ोन के बैक पैनल पर सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दी गई है। तो यह थी दोस्तों वीवो Y19 के बारे में जानकारी। अगर यह वीवो का फ़ोन भारत में लॉन्च होता है तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में, मतलब इस फ़ोन के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।